कांत्याकचानसनभामिम्री प्रखे चतुर्भुजगजे हरस्तो तिक्षुपतिर्णम्यामृतघटे राशिच्यमनां श्रियं बिभ्राणां वरमभ्युग्मभं हस्ते किरोटी जज्वलां क्षोमावदनितं बिम्बललितां वंदे अरविन्दस्थितां। महालक्ष्मी कमला देवी की आभा कांचन यानी स्वर्ण जैसी है। माँ की चार भुजाएं हैं, हिमालय की उपत्यका में बैठी हुई हैं। दोनों ओर दो हाथी अपनी सूंड़ों में स्वर्ण कलेशों के अमृत जैसा जल भरे हुए माता का अभिषेक लगातार कर रहे हैं। देवी स्वर्ण के आभूषण पहने हुए कुंडल किरीट करधनी मुकुट रत्न जड़ित आभूषण पहने जो कि स्वर्ण के हैं कमल के पुष्पों के आसन पर विराजमान है। वर अभय मुद्रा लिए हुए हैं। ऐसी देवी स्वरूपा महाविद्या कमला की मैं वंदना करता हूं और उनको बारंबार नमस्कार करता हूं। श्री भगवान विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी है, परंतु 10 महाविद्याओं में जो इनका नाम है वह कमला है और महाविद्याओं में इनको कमला नाम से जाना जाता है। वह सदाशिव पुरुष की शक्ति है। इनकी पूजा उपासना से वैभव संपत्ति धन धान्य यक्ष कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए कमला नाम की 10वीं महाविद्या की साधना अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार करनी ही चाहिए। धूमावती व कमला में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। धूमावती दरिद्रता की देवी है, कमला लक्ष्मी की। धूमावती अवरोहिणी है, कमला रोहिणी है। धूमावती ज्येष्ठा है, कमला कनिष्ठा है। वह आसुरी है, यह दिव्या है। कमला देवी की उपासना आरंभ करने के लिए कमला देवी का चित्र सामने रख करके घर के कोने में पूजा स्थान बनाया जा सकता है। पूजा का आरंभ किसी शुभ मुहूर्त पर्व समय शुभ योग में आरंभ करके पूजा पाठ शुरू की जा सकती है। चित्र की मानस उपचार, षोडश उपचार या पंचोपचार से पूजन कर विनियोग व न्यास संस्कृत या हिंदी जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें कीजिए। नित्य पूजा में भगवती के चित्र का ध्यान करें और मंत्र जप करें। गिनती के लिए माला से जप करें और जितनी संख्या का नियम बना हो वह नियम का पालन अवश्य करें। पुरुषचरण में असली प्रभाव मंत्र का जाप ही होता है, इसलिए देवी के मंत्र जाप की संख्या 7,00,000 शास्त्रों में बताई गई है। 7,00,000 जप, 70,000 हवन, 7,000 तर्पण, 700 मार्जन, 70 ब्राह्मण भोजन कराने से पूरा पुरुषचरण हो जाता है। जो इतनी सामर्थ्य नहीं रखते वे 7,00,000 जप करके 1,000-2,000 हवन करके 700 तर्पण 700 मार्जन 1 या 3 ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा करके वैश्य कन्याओं का भोजन उत्तम रहता है। वैसे जितनी संख्या में हवन कम हो उसका 2 गुना जप करके कमी पूरी की जा सकती है। यह साधनाओं का एक महत्वपूर्ण नियम है। माला आसन वस्त्र व पूजा की भी सभी सामग्रियां लाल ही होंगी। पहनने के लिए वस्त्र भी लाल ही होंगे। कवच में देवी से अपने शरीर के सभी अंगों की रक्षा करने की प्रार्थना की जाती है और माँ के विभिन्न नामों को गुणों व कर्म के अनुसार प्रणाम करके अनुष्ठान को बाधा रहित पूरा करने की याचना की जाती है। जितना जप अभिष्ट है उस संख्या को अनुष्ठान के दिनों से विभाजित करके जो उपलब्धि हो उतना जप नित्य करना आवश्यक है। भगवती का चित्र चौकी पर रखकर ध्यान करें। देवी के चित्र का मुख पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर होना चाहिए। स्वयं भी उत्तर की ओर मुख करके बैठे। घी का दीपक जलाएं। कमल पुष्प या लाल पुष्पों से पूजा करें। नैवेद्य स्थान का होना चाहिए। स्वयं के वस्त्र भी लाल हो तो अति उत्तम रहेगा। पूजा में बिना सिले वस्त्र पहनने का विधान है, अर्थात कोरी धोती चादर गमछा आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल रंग के ऊनी सूती आसन पर बैठकर पद्मासन सिद्धासन आसन उत्तम है। माला रुद्राक्ष की, तुलसी की, लाल चंदन की माला अति उत्तम रहती है। प्रत्येक अनुष्ठान काल में यम नियम से ब्रह्मचर्य से रहें। मांस मदिरे का सेवन कदापि ना करें। जमीन पर सोएं, यहाँ तक कि हो सके मौन व्रत रखें और कम से कम बात करें। जो भगवती कमला का विनियोग है वह इस प्रकार पूर्ण होगा। ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य प्रभु ऋषि निर्वच्छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री बीजम ह्रीम शक्ति हेम कीलकम
श्री लक्ष्मी प्रत्यर्थे च वेविनी योग, और माँ कमला का ध्यान करते हुए ऋषि ध्यान न्यास करेंगे। ओम श्राम मुष्टाभ्याम नमः, ओम श्रीं त्रजिनाभ्याम नमः, ओम श्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम श्रेम नामिकाभ्याम नमः, ओम श्रोम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम श्रम करदल करपृष्ठाभ्याम नमः। फिर हृदय न्यादि न्यास करेंगे। ओम श्राम हृदय हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम श्रूं शिखाय वषट, ओम श्रेम कवचाय हूँ, ओम श्रोम नेत्रत्राय वोषट, ओम श्रहस्तत्राय फट। फिर भगवती का ध्यान करते हुए ध्यान करेंगे कि महालक्ष्मी कमला देवी की एक पुष्प कमल पर विराजमान है और समस्त स्वर्ण मुद्राओं को हाथ में लिए हैं और एक अभय मुद्रा हाथ में लेकर के भक्त पर आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और दो बड़े हाथी अपनी सूंडों से स्वर्ण कलशों से अमृत की जल वर्षा माँ का ऊपर कर रहे हैं, अर्थात उनका अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मूल मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जग जगत्प्रत्सूत्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत्प्रत्सूत्ये नमः। फिर कमला देवी का कवच का पाठ करके नित्य जप संख्या का पालन करते हुए कमला को सिद्ध किया जा सकता है। जय माँ भगवती।